ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई। आज दे इस वीडियो विच मैं तुहानू बहुत ही सौखा जिहा 2 मिनट का घरेलू नुस्खा दसन जा रही हाँ जिहड़ा कि चमड़ी दे हर तरह के रोग चाहे वह दात खाज खुजली होवे या फिर किसी तरह की सिर दे विच डेंड्रफ हो जाए जिहदे करके तुसी बहुत सारिया दवाइया भी खा चुके हो या फिर अजकल जिस तरह मौसम बदल चुकिया है तो यह जो ह्यूमिडिटी वाला हुमस वाला मौसम हुंदा है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वध जाती है पसीना ज़्यादा आन करके तुसी उहदे तो छुटकारा पा सकते हो। ये जिहड़ा नुस्खा है वह सिर्फ चमड़ी के रोगी ही नहीं सधारण लोग भी वरत सकते हैं क्योंकि साबण की वरतों लगातार करन नाल भी सानू किसी भी समस्या का सामना करना पै सकता है। जे असी साबण नू छड़ के इस तरह के घरेलू नुस्खे वरतते हाँ तो साड़ी जिहड़ी स्किन है वह हमेशा तंदुरुस्त रहिंदी है। इस नुस्खे नू तैयार करन दे लई असी दही लई है ते दही बिना मलाई वाले दुध की होनी चाहिए है या फिर तुसी चाटी वाली लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चमड़ी रोगों के लिए बहुत ज़्यादा वधिया है ते चमड़ी की तंदुरुस्ती लई भी बहुत ही ज़्यादा वधिया काम करती है। आज दे टाइम दे विच जिहड़े हॉर्मोनल इशू हो रहे हैं स्त्रियों दे विच PCOD वगैरह थायराइड इनफर्टिलिटी चेहरे ते वाल या फिर माहवारी संबंधित जिन्नियां भी समस्यावां हन इन्हां सारियां दा संबंध कैमिकल जिहड़े साडे अंदर जा रहे हैं वह भी है। दही नूं असीं चंगी तरह फेंट लिया है इहदे विच असीं 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पा देना है। असीं नॉर्मल खाण वाला चम्मच लै सकते हाँ जिहड़ा कि भर के त्रिफला पाउडर दा असीं पा देना है। ओना पेस्ट तैयार करना है जिन्नी स्किन ते तुसीं अप्लाई करना चाहुंदे हो या फिर जे तुसीं अपनी पूरी बॉडी दे हिसाब नाल लैणा चाहुंदे हो तां उस तरीके नाल भी तुसीं पेस्ट नूं तैयार कर सकते हो। तुहानूं किसी भी प्रकार की चमड़ी की तकलीफ हो गई है पर चमड़ी सुक्की है उहदे ते किसी प्रकार के छाले नहीं हन तो सब तो पहली हदायत यही है कि तुसीं साबण की वरतों तुरंत बंद कर दिओ ते इह पेस्ट लगातार वरतो। 2 ही चीज़ां इहदे विच सब तो जरूरी हैं दही है ते त्रिफला पाउडर है। तुहाडे सिर दे उपर भी किसी तरह की डेंड्रफ या सोरीएसिस है तो भी तुसी इस पेस्ट की वरतों कर सकते हो। सिर दे उपर किसी भी तरह की इनफेक्शन होवे स्कैल्प ते तां ओह भी चेहरे ते आउंदी है ते चेहरा भी खराब हुंदा है उहदे नाल चेहरे ते भी बहुत ज़्यादा दाने पिंपल या स्किन ते होर इनफेक्शन भी हो जाती है इस करके इन्हां नूं रोकना जरूरी है। तो यह जो घोल है वह बिल्कुल तैयार है इस तरह तुसी इनू हर रोज़ नहाने लगे मसल मसल के नहा लेना है साफ पानी नाल धो लेना है साबण की जगह इस चीज़ की वरतों करनी है। हुण जिन्हां की चमड़ी बहुत ही ज़्यादा सुक्की है वह की कर सकते हैं वह इस घोल दे विच थोड़ा जिहा सरों का तेल मिला सकते हैं। अपनी चमड़ी की स्किन की ड्राईनैस के हिसाब नाल सरों का तेल मिला लो इस पेस्ट दे विच। सरों का तेल भी त्वचा है तो स्किन के रोगों लई बहुत ही चंगा आख्या गया है खास करके ये उत्थे बहुत वधिया काम करता है जिथे खुजली बहुत ज़्यादा है तो नाल ही नाल दर्द भी है। इस तो इलावा कईयां दी स्किन बहुत ज़्यादा तेलिया हुंदी है जिथे तेल ज़्यादा है उत्थे इनू ड्राई करन दे लई तुसी थोड़ी जिही मुल्तानी मिट्टी विच मिक्स कर लवो ते इस पेस्ट नू भी तुसी सिर ते भी वरत सकदे हो। सिर ते वरतन लई थोड़ा जिहा पतला लस्सी टाइप कर लवो ते चमड़ी ते स्किन ते बाकी दे पिंडे ते वरतन लई तुसी इसे तरह दे गाढ़े घोल दी वरतों कर सकदे हो। ये रुखे बेजान टुटदे झड़दे वालां लई भी बहुत ज़्यादा वधिया है ते शरीर की सफाई लई भी बहुत वधिया है। जो असी इहदे अंदर मुल्तानी मिट्टी पा दित्ती तां इह साबण दा भी काम करेगा ये शरीर ते किसे तरह दा तेल नहीं छड्डेगा ते पूरी तरह बॉडी नूं साफ कर देगा ते वालां नूं भी साफ कर देगा मैल भी उहदे अंदर नहीं रहेगी। जे तुसी स्किन दे रोगां लई बहुत ज़्यादा दवाइयां खा चुके हो तां इह बिल्कुल ही सस्ता जिहा नुस्खा अपना के देखो तुहानूं बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। इस तों इलावा असी एक बिल्कुल मुफ्त दा नुस्खा होर दसांगे जिहड़ा कि खाण वाला है ओनू वरत के तुसी होर भी ज़्यादा जल्दी अपनिया स्किन इनफेक्शन नू खत्म कर सकते हो। इस समय निम दे उपर जिहड़ियां निमोलियां हुंदियां हन निम दा जिहड़ा फल है वह पक जांदा है ते ये मिठियां निमोलियां जिहड़ियां ने इन्हां नू 8-10 हर रोज़ सवेरे चूस लैना चाहिदा है। ये बिल्कुल एक मुफ्त दा नुस्खा है जिहड़ा कि खून नू साफ करदा है ते स्किन दे रोगां तों सानू मुक्ति दिलाउंदा है। निम सानू हर जगह मिल जाती है पिंडां दे विच आम मिल जाती है जे कोई शहरां विच रहिंदा है तो पार्क दे विच भी जरूर निम हुंदी है। निम दे दातन की लगातार वरतों करो तुसी इस पेस्ट दे विच निम दे पत्तियां दा सुका के पाउडर भी वरत सकते हो। इस तरह दियां निमोलियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। 8 to 10 ਨਿਮੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਠਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਮੋਲੀ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।